इंदौर के सावेर थाना इलाके में अपहरण का एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया है, जहां गुजरात की एक युवती ने सावेर के नाबालिग युवक को फोन कर नौकरी के लिए गुजरात बुलाया। इतना ही नहीं, युवती ने अपहृत युवक को आने के लिए बकाया 1,000 रुपए खाते में भी डाले। जब युवक गुजरात पहुंचा, उसके बाद से लगातार उसका फोन बंद आ रहा है। परिवार जनों ने सावेर थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत में कहा है कि युवक 26 मार्च को गुजरात के लिए निकला था, लेकिन अब उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नाबालिग युवक के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम नाबालिग युवक की तलाश में गुजरात में भी भेजी गई है। कल थाना सांबेर में एक 17 वर्षीय युवक के परिजन के द्वारा अपने पुत्र की गुमशुदगी या अपहरण का प्रकरण कायम कराया है। प्रथम दृष्टया जो घटनाक्रम बताया गया कि एक युवती का लड़के के पास गुजरात से फ़ोन आया कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगी, और उसने उस लड़के के अकाउंट में 1,000 रुपये भी डलवाए और वो लड़का गुजरात चला गया। 26 मार्च से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। चूँकि युवक की उम्र 18 वर्ष से कम है, अतः इसमें धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण कायम किया गया है। थाने से एक टीम तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर उस बालक और की तलाश में गुजरात रवाना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।